भगवान श्री कृष्ण का मैसेज। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान श्री कृष्ण में चरण में हो के भी आपको कृष्णा किसी चीज के लिए पनिश कर रहे हैं, आपको सजा दे रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आपको किसी चीज के लिए सजा दे रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं, तो आप गलत हो। भगवान श्री कृष्ण आपसे आज ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट पनिशिंग यू। भगवान श्री कृष्ण आज आपसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग यू। जो आने वाला है उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण आज आपसे यही कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास के लोग, ये पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अपने आंखें बंद करके मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण आपसे यही कहते हैं कि कभी तुम अपने जीवन में डूबने लगो तो तुम्हारा विश्वास भगवान पर जो है, तुम्हारी श्रद्धा जो है भगवान श्री कृष्ण पर, वही तुम्हें डूबने से बचा लेगा। इस संसार में जन्म लेने के बाद भी बहुत इस संसार के पीछे पीछे मत भागो। भगवान की दुनिया में आओ, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वहां पर भगवान की भक्ति करो। अगर तुम्हें किसी के पीछे भागना है तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागो। इस संसार में लोग सिर्फ हमारे इस शरीर से जुड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कब से तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे दिल से जुड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कहीं खो जाओ तो मेरी बांसुरी के धुन में खो जाना। मेरी बांसुरी के धुन में खो जाओगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, और इस संसार में खो जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण आखिरी में आज आपसे यही कहते हैं कि दोस्ती करना है तो मुझसे करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तो मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी सहायता हर पल हर वक्त करूंगा। राधे राधे।